हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं मेनिंजेस के बारे में। जैसे कि हमने बोला था, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो उसको प्रोटेक्ट करता है, ये इसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और ब्रेन को जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ब्रेन से सारा चीजों का एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का, वो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इन दोनों चीजों का हमें डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग के बारे में जान लेते हैं। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेनिंजेस। तो मेनिंजेस क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग इनसाइड द क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड एज मेनिंजेस। तो क्रैनियम यानी हमारी ये जो खोपड़ी होती है, इसके अंदर ये जो स्कल होता है, इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ब्रेन के लिए, ठीक है। इटसेल्फ बोन इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। हमारा ये जो बोनी बॉक्स है, ये तो खुद ही से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, लेकिन इसके अंदर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की कुछ लेयर्स होती है जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। और ऐसी ही लेयर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी होती है जहां से स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। ये जो हमारी पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है, इसको वर्टिब्रल कॉलम हम बोलते हैं। इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक अगेन प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इनको भी मेनिंजेस बोलते हैं। तो बेसिकली मेनिंजेस हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, अलोंग विद द क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम के साथ में मेनिंजेस भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो पूरे मेनिंजेस है, ये तीन लेयर से बने होते हैं। सो दीज आर थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्री लेयर्ड कवरिंग प्रेजेंट इन द मेनिंजेस एंड ईच इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। हर एक लेयर को मेनिंजेस बोला जाता है और तीनों लेयर को मिला के यहाँ पे मेनिंजेस बोलते हैं, दैट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये तीन मेनिंजेस तीन लेयर से बनी होती है। द फर्स्ट इज ड्यूरा मैटर, देन अराकनोइड मैटर, एंड देन नेक्स्ट आता है पाया मैटर। तो तीनों ही मैटर से यहाँ पे मेनिंजेस जो है वो फॉर्म हुई है। सबसे पहला मैटर हम देखते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर हम डायग्राम में देख सकते हैं। ड्यूरा मैटर के ठीक ऊपर यहाँ पे क्रैनियम प्रेजेंट है, बोनी बॉक्स। तो क्रैनियम के ठीक नीचे हमारे ड्यूरा मैटर होता है, मतलब क्रैनियम को चिपक के, ये जो हमारा क्रैनियम है, हमारा बोन है, इसको ठीक चिपक के क्या होता है, दैट इज ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर इज द लेयर जस्ट बीनीथ और जस्ट इनसाइड ऑफ द क्रैनियम एंड इट इज अटैच्ड विद द क्रैनियम। क्रैनियम के साथ ये अटैच्ड होती है, क्लोजली अटैच्ड होती है। तो यहां पे हम देखते हैं ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट थिक टफ एंड नॉन वैस्कुलर मेम्ब्रेन। तो ये आउटर मोस्ट है, मतलब ब्रेन में सबसे ऊपर की कवरिंग, ब्रेन की सबसे ऊपर की कवरिंग हमें कौन सी दिख रही है, ड्यूरा मैटर, ठीक है। आउटर मोस्ट है थिक यानी बहुत ज्यादा ये मोटी होती है, टफ होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। एज वेल एज नॉन वैस्कुलर, वैस्कुलर का मतलब वहां पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, नॉन वैस्कुलर होती है। इट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इनर साइड ऑफ द क्रैनियम। तो ये क्रैनियम के डायरेक्टली इनर साइड में कॉन्टैक्ट होती है, कनेक्टेड होती है। So it is in the direct contact of the inner side of the cranium. Cranium को, cranium यानि bony box को ठीक चिपक के होती है inner to the cranium, ठीक है? Next, it is separated from the lower membrane. Lower membrane that is arachnoid matter. Arachnoid matter से ये separate होती है by a space called as subdural space filled with the serous fluid. तो यहाँ पे ये ठीक इससे separate होती है, मतलब arachnoid matter और dura matter दोनों एक दूसरे से separated है by a small space. And that small space is called as subdural space, दोनों के बीच में। और इस subdural space में एक fluid होता है, that called as serous fluid. जैसे हमारे blood में जो serum होता है, ठीक है, that is plasma जिसको हम बोलते हैं, कुछ ऐसा ही fluid यहाँ पे present होता है, that is serous fluid. Next हम बात करते हैं arachnoid matter के बारे में। The next inner layer is called as arachnoid matter. Arachnoid matter हम देखते हैं, it is a middle layer. थिन एंड नॉन वैस्कुलर लेयर। अगेन ये मिडल लेयर है, मतलब बीच में है, थिन यानी पतली है, एंड नॉन वैस्कुलर मतलब यहाँ पे कोई भी वैस्कुलर टिश्यू यानी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इट इज रेटिकुलेट वेब लाइक कनेक्टिव टिश्यू। तो रेटिकुलेट है ये, मतलब इसमें नेटवर्क होता है, फाइबर्स का जालीदार नेटवर्क होता है, रेटिकुलेट वेब लाइक अपियरेंस होता है इसका। और ये कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये तीनों के तीनों लेयर जो है वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पाया मैटर बिलो एंड नैरो सब अरेक्नोइड स्पेस फिल्ड विद द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये अपने नीचे जो, इसके नीचे जो पाया मैटर होता है, इससे ये सेपरेट होती है बाय अ नैरो स्पेस
जिस स्पेस को बोला जाता है जिस स्पेस को बोला जाता है सब अराकनोइड स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं ये जो अराकनोइड मैटर है ये अपने नीचे वाली जो लेयर है पाया मैटर उससे सेपरेट होता है बाय अ स्मॉल स्पेस, और इस स्मॉल स्पेस को हम बोलते हैं सब अराकनोइड स्पेस। और ये सब अराकनोइड स्पेस जो है ये फिल्ड होता है बाय सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये देखो इन दोनों के बीच में ये जो फ्लूइड है दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ड्यूरा मैटर और अराकनोइड मैटर के बीच में जो खाली जगह है उसको सबड्यूरल स्पेस बोला है, और अराकनोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो खाली स्पेस है उसको हमने सब अराकनोइड स्पेस बोला है। सबड्यूरल स्पेस सीरस फ्लूइड से फिल्ड है एंड सब अराकनोइड स्पेस जो है वो सीएसएफ यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम बात करेंगे पाया मैटर के बारे में। सो पाया मैटर इनर मोस्ट लेयर होती है, दैट पाया मैटर इज द इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, जो ब्लैक कलर की हमको दिखाई दे रही है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर पाया मैटर। ठीक है, हाईली वैस्कुलर मेम्ब्रेन, तो ये हाईली वैस्कुलर है मतलब इसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई हमको देखने को मिलता है एंड इट इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन, तो ब्रेन के ये बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट में होती है। तो आप देख रहे होंगे ये ठीक ब्रेन को चिपक के है, ब्रेन के काफी क्लोज कॉन्टेक्ट में हमको ये देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा ये जो पूरा पार्ट है मैनिंजेस के बारे में, ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैनिंजेस जैसे कि हमने बोला तीन लेयर से बना है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है मैनिंजेस। ठीक है, तो मैनिंजेस का काम क्या क्या है, मैनिंजेस हम देखते हैं ड्यूरा मैटर से बना है, अराकनोइड मैटर से बना है और पाया मैटर से बना है। तो ये ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और अराकनोइड मैटर ये तीनों ही प्रोटेक्शन का काम कर रही है, जिसमें सबसे ऊपर वाली लेयर ड्यूरा मैटर है, बीच वाली लेयर अराकनोइड मैटर है, दोनों के बीच में एक स्पेस है सबड्यूरल स्पेस जिसको जो कि फिल्ड है सीरस फ्लूइड्स। और अराकनोइड मैटर और पाया मैटर, जो पाया मैटर सबसे लोअर मोस्ट सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इन दोनों के बीच में भी सब अराकनोइड स्पेस है जो कि फिल्ड है अगेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। ठीक है, तो याद रखना ड्यूरा के नीचे सबड्यूरल स्पेस, अराकनोइड के नीचे सब अराकनोइड स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में या सीएसएफ जिसको बोला जाता है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इट इज अ लिम्फ लाइक फ्लूइड, हमें पता है लिम्फ एक पेल कलर का फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड भी बोल सकते हैं, ये हमारे बॉडी में होता है जो कि लिम्फेटिक वेसल से ट्रांसमिट होता है। तो इट इज अ लिम्फ लाइक फ्लूइड, ये भी पेल येलोइश कलर का फ्लूइड होता है। ठीक है, सिक्रेटेड बाय एंड एपेंडाइमल सेल्स ऑफ कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट इन द सबअराकनोइड स्पेसेस ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड ब्रेन एंड सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा सा सेंटेंस है, इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको बताऊं तो ये मेनली ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये सिक्रीट किससे होता है, ये एपेंडाइमल सेल से सिक्रीट होता है, और ये एपेंडाइमल सेल कोरोइड प्लेक्सस के होते हैं। दिस इज सिक्रीटेड बाय एपेंडाइमल सेल्स ऑफ कोरोइड प्लेक्सस, और ये कोरोइड प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन सबअराकनोइड स्पेसेस ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। तो हमारे ब्रेन के अंदर खाली वेंट्रिकल्स होती है, हमारा ब्रेन अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, मतलब अंदर में कुछ स्पेस कुछ कैविटी होती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, सो ब्रेन के अंदर जो कैविटी होती है उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और इन कैविटी के आजू बाजू में भी ये सबअराकनोइड स्पेसेस प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी के सबअराकनोइड स्पेसेस में मतलब ये वेंट्रिकल्स के आजू बाजू की जो लाइनिंग है, ठीक है, मान लो ये कैविटी है, ये एक कैविटी है, ये खाली जगह, तो कैविटी की ये जो लाइनिंग होगी, दिस लाइनिंग, दिस इज हैविंग सबअराकनोइड स्पेसेस, तो इसमें सबअराकनोइड स्पेस होंगी, और इस सबअराकनोइड स्पेस में कोरोइड प्लेक्सस होंगे। कोरोइड प्लेक्सस क्या होते हैं, नेटवर्क होता है ब्लड ब्लड वेसल्स का, बेसिकली ब्रेन में ब्लड वेसल्स नहीं होते, ब्रेन का जो मेन टिश्यू है उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, लेकिन ब्रेन के आजू बाजू जो खाली जगह वहां पे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेटवर्क होता है ये भी ब्लड वेसल का, कोरोइड प्लेक्सस, तो इसमें जो एपेंडाइमल सेल होते हैं, इस एपेंडाइमल सेल से बनता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो एक बार फिर से समझते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक लिम्फ लाइक फ्लूइड है जो कि सिक्रीट किससे होता है, एपेंडाइमल सेल से कोरोइड प्लेक्सस के, जो कि प्रेजेंट कहां पे होता है, सबअराकनोइड स्पेसेस ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। इसके अलावा यही एपेंडाइमल सेल्स अब सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, थोड़ा सा खाली कैनल होता है उसमें, ये ट्यूब है स्पाइनल कॉर्ड, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो बीच में खाली जगह होती है, तो उस खाली जगह में भी एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में बनता है कोरोइड प्लेक्सस के एपेंडाइमल सेल्स से, और स्पाइनल कॉर्ड में बनता है सेंट्रल कैनल में जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं उससे। ठीक है, क्लियर है। इट इज ऑल्सो सिक्रीटेड इन बाय पाया मैटर, तो ये जो पाया मैटर हमने देखा, ये पाया मैटर इससे भी ये सिक्रीट होता है। ठीक है, इट इज ड्रेन आउट इन ब्लड बाय थ्री ओपनिंग्स एट द रूफ ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा,
तो ये हमेशा हमारे ब्रेन के कैविटी में या आजू बाजू में ही प्रेजेंट नहीं होता, ये ब्रेन से बाहर भी रिलीज होता है। तो जो ब्रेन के अंदर ये जो भी प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको ड्रेन आउट किया जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है ब्लड में, किसके जरिए, तीन ओपनिंग्स के जरिए जो कि एक रूफ पे होती है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के। तो ब्रेन का हमारे सबसे लास्ट पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जिससे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। हमारा ये ऊपर में सबसे बड़ा ब्रेन है, नीचे छोटा ब्रेन होता है सेरेबेलम, और उसके नीचे से एक स्पाइनल कॉर्ड, एक हम देखते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रिलीज होती है, जो ब्रेन का हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है लास्ट, और फिर वहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के रूफ पे यानी ऊपर तीन ओपनिंग्स होती है, जहां से ये सारा का सारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो वेंट्रिकल्स में जमा हुआ है अंदर, ये निकल आता है बाहर, ठीक है। इट इज लाइक अल्कलाइन फ्लूइड, ये थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है नेचर में, और एवरेज मैन में ये 150 ml तक देखने को मिलता है। 150 ml ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन एवरेज मैन, ठीक है। तो बेसिकली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में हमने क्या देखा, कि ये एक लिम्फ लाइक फ्लूइड है, ये एपेंडाइमल सेल्स से बनता है, कोरोइड प्लेक्सस के जो कि ब्रेन के सबअरेक्नॉइड स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स के, वेंट्रिकल्स यानी खाली जगह कैविटीज, ठीक है। और साथ ही में सेंट्रल कैनल में भी जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनल में जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं उससे भी ये बनता है। साथ ही में ये पाया मैटर से भी सिंथेसाइज होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और इसको ड्रेनेज कैसा होता है, इसको बाहर कैसे निकाला जाता है ब्रेन से, बेसिकली तीन ओपनिंग्स होती है रूफ ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पे, उससे वो बाहर निकलता है, ठीक है। और साथ में हम देखते हैं ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, और एवरेज ह्यूमन बीइंग में 150 ml ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो सकता है। इसके फंक्शंस क्या है अलोंग विद मेनिंजेस, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजेस, मेनली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फंक्शंस क्या है। So it protects the brain and spinal cord from any mechanical injury by acting as a shock absorber. तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये दोनों लेयर्स, अरेकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर, दोनों के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। तो जब हमें कोई जोर की टक्कर लगती है हमारे ब्रेन में, बहुत जोर का धक्का लगता है, तो ये दोनों मेम्ब्रेन ऐसे पास आके दूर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि बीच में है। तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। ये अरेकनॉइड मैटर ऐसा पास में आएगा और दूर चले जाएगा बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में है, ठीक है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल इंजुरी से बाय एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो इसमें मेनिंजेस भी उतना ही रोल प्ले करती है प्रोटेक्शन में जितना कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। दूसरा, इट मेंटेन्स द कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड द क्रैनियम, हमारे क्रैनियम के अंदर, खोपड़ी के अंदर जो प्रेशर होता है उस कांस्टेंट प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम किसका होता है, अगेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का होता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू एक्सचेंज द वेस्ट एंड द न्यूट्रिएंट बिटवीन द ब्रेन एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमारे ब्रेन को जितने भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है वो सारा न्यूट्रिशन सप्लाई कौन देता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हमारा ब्रेन न्यूट्रिशन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से लेता है, और ब्रेन के सेल्स में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सारा वेस्ट CSF में यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में निकाला जाता है वापस। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इस वेस्ट को लेकर ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर से वहां पे हम देखते हैं एपिडर्मल सेल से फिर से नया सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है, जो अगेन न्यूट्रिशन का सप्लाई देता है ब्रेन को। ब्रेन से वेस्ट CSF में जाता है और CSF से न्यूट्रिशन ब्रेन में आता है। तो बेसिकली इट हेल्प्स टू एक्सचेंज वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट बिटवीन ब्रेन एंड CSF। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द ब्रेन। तो ब्रेन को ये ऑक्सीजन का सप्लाई देता है, मतलब ब्रेन में जितना भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो सारा ऑक्सीजन डायरेक्ट ब्लड के थ्रू नहीं लेता ब्रेन, ये याद रखना। ब्रेन में ब्लड का फ्लो नहीं होता, ब्रेन के अंदर, ब्रेन का जो टिश्यू है, ठीक है, उसके अंदर ब्लड का फ्लो नहीं होता। तो ब्रेन में जो भी ऑक्सीजन ब्रेन को मिलता है वो CSF के थ्रू मिलता है यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू मिलता है, और ब्रेन से जो भी CO2 रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारा का सारा अगेन CSF में यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ही जाता है। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स द ब्रेन फ्रॉम डेसिकेशन। तो ब्रेन का जो भी सेल है उनको डीजेनरेट होने से भी ये प्रिवेंट करता है, मतलब ब्रेन के सेल्स को प्रॉपर शेप, प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर हेल्दी वे में ग्रो करने में ये हेल्प करता है। मतलब ब्रेन के सेल्स को डीजेनरेट नहीं होने देता, और ब्रेन के सेल्स को डेसिकेट नहीं होने देता, खराब नहीं होने देता। तो बेसिकली ब्रेन के सेल्स को डेसिकेट होने से या डाई होने से ये प्रिवेंट करता है, मतलब ब्रेन के सेल्स को डीजेनरेट होने से भी प्रिवेंट करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है, दैट इज द मेनिंजेस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड,
ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ब्रेन के स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देखता हूँ मेरे वीडियोस देखे बहुत ज्यादा जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो प्लीज अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको आते रहे और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो अभी हम अपने बहुत सारी चीजों पे वर्क कर रहे हैं, मतलब मैं बहुत सारी चीजों पे वर्क कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ किस तरीके से नए नए क्वालिटीज में नए नए वीडियोस प्रोड्यूस कर सकूं, तो इसके लिए आपका साथ होना बहुत जरूरी है। और अभी बहुत ही जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो इस पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है दोस्तों, ठीक है। एजुकेशनल चैनल लोग बहुत ही कम देखते हैं आई नो, बट फिर भी ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये एजुकेशन जो है वो पहुंचाते रहिए, मेरी हेल्प करते रहिए, ठीक है। और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।